आधुनिक समाज में रहते हो और आधुनिक समाज में भेदभाव, छुआछूत और जाति प्रथा का कोई मायने नहीं हो, लेकिन इस समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज भी छुआछूत को जिंदा रखे हुए हैं। ऐसे एक मामला सामने आया है गांव नयन सुखपुरा का, जहां एक दलित परिवार भगवान के मंदिर में जाकर मनोकामना मांगता है और भगवान उसकी मनोकामना पूरी भी कर देते हैं। इसी की खुशी में वह मंदिर में जाकर बाबा का भंडारा करना चाहता है, लेकिन समाज में कुछ विघटनकारी लोग भी होते हैं। उन्होंने उस दलित परिवार की कामना पूरी होने में विघ्न डाल दिया और गांव के कुछ दबंग और प्रभावशाली लोगों ने दलित परिवार को भंडारा करने के लिए मना कर दिया और मना करने के बाद एक परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस को दी और जाटूशाना थाना प्रभारी गांव में पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी प्रभावशाली लोगों के आगे घुटने टेक दिए और यह समझौता करवा दिया कि दलित परिवार ना तो मंदिर में चढ़ेगा और ना ही भंडारा कराएगा। साथ ही कहा कि मनोकामना पूर्ण होने की स्थिति में वे 10,000 की राशि प्रभावशाली लोगों के पास जमा कराएगा और प्रभावशाली लोग ही भंडारा करेंगे। साथ ही कहा कि वाल्मीकि परिवार दूर से ही भगवान के दर्शन करेंगे और आज वाल्मीकि परिवार एसपी से मिलने रेवाड़ी पहुंचा तो उन्हें जाटूशाना थाना बुला लिया गया और थाना प्रभारी के साथ डीएसपी कोसली भी वहां मौजूद थे, लेकिन वहां भी पीड़ितों का उसी फैसले पर हस्ताक्षर करवा लिए गए जिसमें यह कहा गया कि दलित परिवार मंदिर में नहीं चढ़ेगा और प्रभावशाली लोग ही पीड़ितों का पैसा लेकर भंडारा करेगा। साथ ही कहा कि वाल्मीकि परिवार को मंदिर में चढ़ने के बाद प्रभावशाली लोगों ने अंजाम भुगतने की धमकी भी दी हुई है। वाल्मीकि समाज कल भंडारा करना चाहता है, वह चाहता है कि समाज में भेदभाव खत्म कर उन्हें भी बराबर का हक दिया जाए। हालांकि पुलिस ने ये तो अपने घुटने प्रभावशाली लोगों के आगे टेक ही दी है, लेकिन अब वाल्मीकि परिवार फिर से उठ खड़ा हुआ है और कि वह कल मंदिर में जाकर अपने इष्ट देव के दर्शन करना चाहता है, लेकिन वह पूरी तरह से डरा हुआ है। क्या नाम है आपका? विजय पाल। विजय पाल जी, क्या करते हैं आप? मैं सपोर मिला चौकीदार। चौकीदार लग रहे हैं, क्या आप क्या करना चाह रहे थे? मैं एक धर्म करना चाहूँ तो मेरी बिटिया बीमार हो गई जी, और मेरी बिटिया ठीक होगी तो मैं आपको धर्म करना चाहूँ तो बाबा भैया, बाबा भैया का वो रास्ता में बाबा भैया ला गए लाला का और नैन बराबर सियास के बीच तो मैं धर्म करना चाहूँ तो कुछ आदमियों ने मतलब धर्म नहीं करने दियो। मैंने गांव भी इकट्ठो करे तो गांव इकट्ठो करे तो गांव में ये फैसले हुए तो भाई तू कर 14 फुट मरना है मंजूर कर लियो तो फिर कुछ हद नहीं आने मेरा मतलब विवेक स्वीकार कर दियो ना चढ़ा नहीं चढ़ा चूड़ा करके नहीं चढ़ने दिया चूड़ा का नहीं चढ़ने दिया। कितने लोग थे जो इस विरोध कर रहे थे? कम से कम नहीं तो 6-7 लोग। 6-7 लोगों ने विरोध किया अगर आपको वहाँ मंदिर में नहीं चढ़ने दिया जाएगा तो फिर उसकी पंचायत में भी SHO भी वहाँ आया बताते हैं। पंचायत जी नहीं जी, वो पंचायत तो गांव गांव की थी पहले, फिर उसके बाद में आया था मेरे घर पर कौन SHO। फिर क्या कहा SHO ने? भाई बोलो भाई तो इसमें कोई पार्टी मत जी, तेरा प्रसाद ला गया। मैं बोलो ठीक से ला गया, फिर काल मेरा पैसा वापसी दे दिया। ये कैसे पैसे कैसे दिलाए थे, किस तरीके से दिलाए? पंचायत में दिलाया था बोल भाई, SHO ने दिलाए थे। हाँ जी, आधा ये काम करेगा और आधा तू दे। मतलब आप पर्सनली नहीं कर सकते, गांव करेगा? हाँ, गांव करेगा। अच्छा, फिर दो आदमी, एक आदमी उरा सियास को और एक नैन पर, वो अदर कास्ट के होंगे? आपके कास्ट के नहीं होंगे? हमारा कास्ट का नहीं होगा, अदर कास्ट के होंगे। फिर हमने उन्हें कही भाई दोग तो खान दोगा जो बोले मंदिर में नहीं, मंदिर में नहीं बढ़ने देंगे। अच्छा, उसके बाद आज थाने में बुलाया? आज DSP साहब था वहाँ पर, DSP साहब ने फोन कर काम बुलाया, हम SP साहब को जा रहे थे उत्ता, हम बुलाया हुआ जटसान, हम जटसान आया वो बोले भाई गांव सामला से कोई बात ना फैसला कर। किसने कहा आपको फैसला करने? SP साहब, DSP साहब, DSP साहब की उपस्थिति में ही ये सारा फैसला हुआ। हाँ जी, उन्होंने क्या फैसला करवाया? उन्होंने फैसले को करवाया भाई, जैसे परसों फैसला हुआ था ना उसी फैसले मानने का, वही फैसला होगा। आप आपकी कास्ट या आप में से कोई मंदिर में नहीं जाएगा, ये बात। हाँ, दूसरा दो आदमी जाएंगे जो ही पूजा अर्चना करेंगे, यही फैसला डिप्टी साहब ने कराया। आपने ये नहीं कहा डिप्टी साहब को कि भाई मैं खुद करना चाहता हूँ? कही थी। फिर
फिर नो लिया के दिक्कत है, नो कर लो जा धरा पीछे वो वैसे ही करूँ। हाँ मैं बोलो जी ठीक से काम गाम राज्य से उतरा सर। मतलब आपके ऊपर प्रभाव था किसी तरीके का पुलिस का भी आपने ऐसे कर लो? गांव का दबाव था अगर ऐसा ही करना है। अब आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि आप वहां जाके पूजा अर्चना करें? पूजा करूं जी, जोत करना चाहूं, अगर जोत ना करने दे। आपको मंदिर में ही नहीं चढ़ने देते? क्या इधर देखो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश है जी। प्रकाश जी आपके बड़े भाई हैं? हाँ विजयपाल। विजयपाल जी क्या पूरा मामला था आज? ये जी भाई यहाँ पे एक धर्म करना चाहता है जी। जी ठीक है जी। अरे ये इसकी लड़की बीमार हो गई थी, इसने बोला था धर्म, ठीक है जी धर्म इसने बोला था, ठीक है जी सारी बात हो गई, 12-10 हज़ार रुपये ले लिया जी, ठीक है। अब हमने वहाँ भैया पे मैं चढ़ने दिया जी। क्या कह के मना करते हैं जी? वो आप वहाँ मत चढ़ो, यहाँ पे आप पैसा दे दो और आप ऊपर मत चढ़ो, आप सामान वगैरह वही खरीद के लाएंगे। सब सब की वही लाएंगे जी। ये समझौता आखिर हुआ कहाँ? ये थाना मौजूद थाना जी। कौन कौन मौजूद थे उसमें? डीएसपी भी था वहाँ मौजूद। हाँ डीएसपी ने ये नहीं कहा कि भाई आप मैं आप खुद चढ़ाइए? नहीं या तो डीएसपी नहीं कहा जी, खुद चढ़ाइए आप, ये तो नहीं कहा जी डीएसपी। डीएसपी ने क्या कहा? डीएसपी ने कहा जी एक राव साहब वहाँ से, एक चौधरी वहाँ से, उनसे ले लो जी, दो आदमी ले लो वही प्रसाद चढ़ाएंगे, वही प्रसाद चढ़ाएंगे, आप लोग मंदिर में नहीं चढ़ाएंगे? नहीं जी नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जी जो भाई जरा पैसा लगा रहे हैं तो वहाँ जाकर धोखा है भैया, हम जाकर अपने जोतबाड़ी करें, भीतर जाएगा अंदर जाके मर गया। किस तरीके की धमकी दी अगर आप मंदिर में जाएंगे तो? मैं धमकी नहीं दी, सारा नाट गया जी वो। अगर जी हम आपको मंदिर में जोतबाड़ वो नहीं देंगे जी, आप घुसने नहीं देंगे? हाँ जी घुसने नहीं देंगे वहाँ। कितने लोग थे जो आपकी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? ये जी हो गए कोई 8-10 आदमी। 8-10 दबंग है ये? हाँ जी 8-10 आदमी है जी। आज तक उस मंदिर में आपको बढ़ने ही नहीं दिया कभी? नहीं जी हम आज तक पहले तो कम नहीं गए हम जी, अब जो हमारा काम सिद्ध हुआ है जब हम गए जी आप बाहर से ही। हाँ बाहर से ही। हाँ अब ये कह रहे हैं कि आपको वहाँ नहीं करने देंगे? हाँ नहीं करने देंगे। तो आप प्रधान होने के नाते, प्रधान जी ये क्या था मामला और अब क्या इसमें फैसला करा दिया गया? ये तो जी इनका आपसा कोई मतलब भाई ने मन्नत मानी थी। अच्छा। और कोई प्रसाद बांटन की बात है, आपस में एक जो एक कड़ू कड़ है इससे मनमुटाव हो गया। क्या कह रहा था कालू, क्या कहना चाह रहा था? देखो जी ये तो मैंने आज इसका नहीं पता, हम तो फैसला में आया था। फैसला क्या? रजा बंद हो गया दोनों। क्या फैसला हुआ? फैसला यह है कि कल प्रसाद लेके कुछ भंडारा करेंगे। हाँ भाई का भी खर्चो है कुछ, वह भी कराया ना भाई? लेकिन जब एक इस 14 ने ये हमेशा करे ही करे है इस पे, गांव का कोई भी आदमी करे है और भी करे है उसमें, ये भी ये भाई ने भी करनु थोए उसमें वह भी मिला दी, और कोई भाई भी मिला सके इसको अगर आप मिला मंदिर पे, मिला मंदिर पे चढ़ने की ना ऐसी कोई मंदिर की कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई इस तरह की ना ना कोई इस प्रकार की। सर कि ये जो मामला था क्या पूरा मामला था और इसमें अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? सर मामला ये तमाम हो गई कि आपस में था प्रसाद चढ़ाने के बारे में जी। प्रसाद चढ़ाएंगे आपस में दोनों ही सहमति होगी, दीवा चढ़ाओ चढ़ाओ और कुछ है जी, प्रसाद चढ़ाएंगे दोनों पक्ष। नहीं अगर बात करें एक पक्ष जो वाल्मीकि पक्ष था वो कह रहा है कि अभी तक उनकी संतुष्टि नहीं हो पाई है। संतुष्टि हो गई, हमने करवा दी उनको संतुष्टि, वो चढ़ाएगा अकेले में भैया गांव के सामलात में इस तरीके से पंचायत ने फैसला किया दुरुस्त सारे आपकी सहमति से जी, गांव के दो आदमी चुने वो प्रसाद चढ़ा। अकेला ये क्यों नहीं चढ़ा सकता सर? अकेले के बारे में उन्होंने खुद सुना है, हम नहीं कह सकते, खुद उसने अपने आप सुना है ये फैसला। विजयपाल ने अकेले कहा है कि भाई गांव सावला सामला जो है हम चढ़ा लेंगे? नहीं विजयपाल ने सभी पूरी पंचायत ने सभी विजयपाल ने अब हो गया है, हो गया। अगर विजयपाल अकेला प्रसाद चढ़ाना चाहे तो आप सुरक्षा के बंदोबस्त करेंगे साथ? ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं आएगी,